Welcome to beginner classes. Here we are with this ESR UGC NET 2019 section C paper. This is lecture number 7. So आज हम कुछ important question जो section C से है, जो कि बहुत ही important है, क्योंकि यहाँ पे आपको 4 mark मिलेगा plus के लिए और negative के लिए आपको 1.33 marks मिलेगा, उसको discuss करने वाले हैं. ठीक है, तो आइए चलते हैं हम इस चीज को अब discuss करने कि सेक्शन सी में कौन कौन से क्वेश्चंस थे. बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोल्ड्स डिफाइंस द ज्योमेट्री ऑफ द सीट फोल्ड. ठीक है, सीट फोल्ड की बात क्या है, तो सीट फोल्ड होता क्या है. ठीक है, व्हाट इज सीट फोल्ड का फॉर्मेशन देख लो कैसे होता है. ठीक है, यहां पे स्ट्रेस पड़ रहा है और यहां पे स्ट्रेस पड़ रहा है. ठीक है, तो इस तरीके का फॉर्मेशन, ये एक प्लेन स्ट्रक्चर है. पहली बात तो ये प्लेन है. ठीक है, प्लेन है, तो प्लेन में स्टेज वन में देख रहे हो शियर स्ट्रेन इधर भी है और इधर भी है. दूसरे में क्या हुआ कि ये इधर चला गया, ये आगे चला गया. ठीक है, फिर क्या हुआ कि स्टेज थ्री में ये बाहर निकल जाएगा और ये पीछे आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके की फोल्डिंग, ठीक है, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑल्सो ए काइंड ऑफ फोल्ड. ओके, दिस काइंड ऑफ फोल्ड इज कॉल्ड अ सीथ फोल्ड. ठीक है, ये डायग्राम आप देख सकते हो स्टेज बाई स्टेज. ठीक है, किस तरीके से आपको यहाँ पे शियर स्ट्रेन हो रहा है, कि चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है, शियर स्ट्रेन हो रहा है. ठीक है, तो बेंडिंग हो रहा है एक तरीके से. शियर स्ट्रेन का मतलब ही बेंडिंग होता है, तो बेंडिंग हो रहा है. ठीक है, तो अगर हम बात करें शीथ फोल्ड की, ठीक है, तो शीथ फोल्ड होता क्या है. शीथ फोल्ड जो है वो नॉन सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है. देख सकते हो आप, ये नॉन सिलिंड्रिकल है. आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना, ये नॉन सिलिंड्रिकल है. ये कुछ ऐसा बना है. ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा बना है, तो ये सिलिंड्रिकल नहीं है.
सो इट इज ए नॉन सिलिंड्रिकल, पहली बात तो ये, ठीक है। और ऊपर से कैसे बना है, प्लेन पे, ठीक है। सो द आंसर विल बी प्लेन एंड नॉन सिलिंड्रिकल, ओके। सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन दे आर आस्किंग इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ फोल्ड्स द कर्वेचर ऑफ इनर एंड आउटर आर्क इज इक्वल, दिस इज द क्वेश्चन। सो वी देर इज ए साइंटिस्ट नेम जॉन रामसे, ओके। ही हैज गिवेन क्लास ऑफ फोल्ड्स, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड्स किया था उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ देयर डीप, ठीक है, एंगल ऑफ डीप, ओके, उसके बेसिस पे किया था। तो द क्लासेस आर क्लास वन, दैट इज डिवाइडेड इनटू क्लास वन ए, क्लास वन बी, क्लास वन सी एंड क्लास टू एंड क्लास थ्री, ठीक है, पांच क्लासेस हैं, ठीक है। तो इन क्लासेस के बारे में हम जानने से पहले वी शुड नो व्हाट इज डीप आइसोगोन, ओके, डीप आइसोगोन। सो डीप आइसोगोन ए इज अ लाइन दैट कनेक्ट द पॉइंट ऑफ इक्वल इंक्लिनेशन और डीप ऑन द आउटर एंड इनर बाउंडिंग सरफेस, ओके। तो आउटर और इनर बाउंडिंग सरफेस का जो डीप है उसको इन लोगों ने क्या किया है, हमारा बोला है डीप आइसोगोन, ठीक है। तो इस चीज को बोलते हैं यहाँ पे, दिस इज डीआई, डीप आइसोगोन, ओके। इक्वल इंक्लिनेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो इन द क्लास वन, ओके, इन द क्लास वन द डीआई कन्वर्ज डाउनवर्ड, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे ये डाउनवर्ड इस तरफ कन्वर्ज हो रहा है, कहाँ पे, क्लास वन में सब जगह पे डाउनवर्ड कन्वर्जन है, देख सकते हैं, ये लाइंस जो है ये डाउनवर्ड है, डीआई जो है डाउनवर्ड कन्वर्ज है, ठीक है। सो कन्वर्ज शोइंग कर्वेचर ऑफ आउटर आर्क इज लेस देन दैट ऑफ इनर आर्क, ठीक है। तो ये आउटर आर्क इनर आर्क से लेफ्ट कैसे होगा, आप देख सकते हो। सपोज करो कि आप बोलते दिस इज वन कर्व एंड दिस इज वन कर्व, दिस इज मोर कर्व, मोर कर्वेचर है इसका, ठीक है, इसका लेस कर्वेचर है, लेस कर्वेचर, ठीक है, दिस इज मोर कर्वेचर, दिस इज लेस कर्वेचर। सो इफ यू कंसिडर द क्लास वन दैट इज हैविंग कर्वेचर ऑफ आउटर आर्क इज लेस देन दैट ऑफ इनर आर्क, सो क्लास वन के कुछ भी नहीं होंगे आंसर, क्लास वन ए भी नहीं होगा और क्लास वन बी भी नहीं होगा, ठीक है। इफ यू कंसिडर द क्लास टू, तो क्लास टू में क्या हो रहा है, डी आई आर पैरेलल सिग्निफाइंग दैट कर्वेचर ऑफ द आउटर आर्क इज एग्जैक्टली मैचिंग द कर्वेचर ऑफ द इनर आर्क, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सब पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ का जो ये कर्वेचर है और यहाँ का जो कर्वेचर है दोनों सेम है, इक्वल कर्वेचर है, इक्वल इक्वल कर्वेचर, ठीक है। तो आंसर विल बी क्लास टू ओनली, सो दैट्स व्हाई आंसर इज क्लास टू, ठीक है। क्लास थ्री में क्या होगा, ठीक उल्टा होगा, ठीक है, क्या कि आउटर आर्क जो होगा वो ग्रेटर होगा, कर्वेचर ऑफ आउटर आर्क जो होगा इनर आर्क से ग्रेटर होगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जॉन रामसेस क्लासिफिकेशन ऑफ फोल्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कर्वेचर एंड डीप आइसोगोन्स, ओके, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। दिस क्वेश्चन, दिस इज आल्सो ए वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यू हैव जस्ट हैव टू नो व्हाट इज द फॉर्मूला, ओके। बिना फॉर्मूले के आपको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे। सो इन द क्वेश्चन इट इज आस्किंग एन अल्कली बेसाल्ट, ठीक है, अल्कली बेसाल्ट है, ठीक है, 700 ppm बैरियम है इसमें, इज फॉर्म बाई 1% बैच मेल्टिंग ऑफ द मेटल इफ द बल्क डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशियंट ऑफ बैरियम इज 0.01, व्हाट विल बी द बैरियम कंटेंट इन द सोर्स मेटल, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको फॉर्मूला के बिना आप ये क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको किस फॉर्मूला को याद करना है, बैच मेल्टिंग, ओके, देयर इज ए फॉर्मूला फॉर बैच मेल्टिंग, ओके, बैच मेल्टिंग फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, मेंटल के बैच मेल्टिंग का फॉर्मूला, जो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से, सी एल अपॉन सी नॉट इक्वल टू 1 अपॉन डी आई 1 माइनस एफ प्लस एफ,
दिस इज दी बैच मेल्टिंग फॉर्मूला। सो इसमें अगर हम बात करें सीएल, ये क्या है, कंसंट्रेशन, ठीक है, इन मेल्ट, ठीक है, ये क्या होगा, कंसंट्रेशन इन ओरिजिनल रॉक, ठीक है, ये क्या है आपका डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, ओके। नाउ दिस इज योर व्हाट, बैच मेल्टिंग परसेंटेज, ये बैच मेल्टिंग परसेंटेज होगा जो कि होता है मेल्ट अपॉन मेल्ट प्लस रॉक, ओके। बैच मेल्टिंग परसेंटेज तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि 700, ठीक है, एल्कली बेसल्ट है ऑलरेडी मेल्ट फॉर्म में है, तो 700 अपॉन इनिशियल रॉक का कंसंट्रेशन, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन आपका डीआई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.01, ठीक है, 1 माइनस एफ जो कि 1% है, 1 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 100, ओके। सो दिस विल गिव राइज टू योर 0.01, ओके, इनटू 1.99, ओके। सो एक्स इज डेफिनेटली इक्वल टू 700 इनटू 1.99 इनटू 0.01, ठीक है, जो अप्रोक्सली इक्वल टू आपका 14 ppm के पास आएगा, क्योंकि 1.99 को अगर आप 2 कंसीडर करते हो, 2 2, तो ये आपका 14 ppm हो जाएगा आंसर। तो दिस इज दी योर आंसर, ठीक है, बिना फॉर्मूला के क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो फॉर्मूला याद करें। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम दी एवापोरेट, ठीक है, तो ये एवापोरेट, ठीक है, सेडिमेंट्री बेसिन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एवापोराइट सेडिमेंट्री बेसिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है उसकी मेकानिज्म पे बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है इन ए सेमी आइसोलेटेड बैरड बेसिन, ठीक है, ठीक है, बैरड मतलब तो उसमें कुछ है नहीं, लेकिन सेमी आइसोलेटेड है, सेमी आइसोलेटेड, ओके, देन व्हिच रॉक वुड फॉर्म बिकॉज ऑफ इवेपोरेटिव मैकेनिज्म इन द रीजन मार्क्ड बाई ए बी सी, ओके। सो दिस इज द क्वेश्चन, सो जो इसका आंसर होगा वो होगा ए इक्वल टू कार्बोनेट, बी इक्वल टू जिप्सम एंड सी इक्वल टू हैलाइड, बिकॉज बट वाई, ठीक है, अगर पूछा जाएगा क्यों, ठीक है, तो आइए चलते हैं इसका डिस्कशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू आर इन ए बेसिन, सी बेसिन, सो एवापोरेशन में क्या होगा कि सी जो कंटेन करता है 35% डिजॉल्व सॉल्ट, उसमें सबसे पहले जो प्रिसिपिटेट करेगा बाइकार्बोनेट करेगा, ठीक है, फिर 90% बचेगा आपका सॉल्ट, ठीक है, 90% में से दूसरा जो करेगा दैट विल बी कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, तो यहाँ पे इसने बाइकार्बोनेट होगा पहले, ठीक है, फिर सल्फेट होगा जिसमें कि हम कंसिडर कर सकते हैं जिप्सम वगैरह होंगे, ठीक है, फिर आपका क्लोराइड हो रहा है, मतलब हैलाइड्स के साथ यहाँ पे हैलाइड्स भी आएंगे, ठीक है, फिर आपके दूसरे सॉल्ट्स, ठीक है, 4% दूसरे सॉल्ट्स, तो इस तरीके से ये कुछ प्रिसिपिटेट होंगे, ठीक है, दिस विल बी प्रिसिपिटेट लाइक दिस, ओके। तो धीरे धीरे आपकी सैलिनिटी डिक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ दिस, ओके, 19, फिर 9 और 5%, फिर 4%, ठीक है, तो इस तरीके से डिक्रीज होगा। इफ यू कंसीडर द क्वेश्चन दैट इज गिवन इन आवर लेसन, दैट इज गिवन, इट इज आस्किंग अबाउट द सेमी आइसोलेटेड बैरड बेसिन, ठीक है, बैरड बेसिन कैसा था, वो भी डीप बेसिन था, डीप बेसिन, ठीक है, तो डीप बेसिन के जो सक्सेशन होते हैं कैन शो टू डिफरेंट पैटर्न, ठीक है, टू डिफरेंट पैटर्न ऑफ डिपोजिशन होता है डीप बेसिन के सक्सेशन में, ठीक है, तो डीप बैरड बेसिन इज कंप्लीटली एनक्लोज्ड, द वाटर बॉडी विल ग्रेजुअली सिंक इन वॉल्यूम एंड एरिया, ठीक है, तो श्रिंकेज होता है किसमें, जब बैरड बेसिन फॉर्मेशन होता है तब श्रिंकेज होता है ना, पानी कम जाता है, ठीक है, बैरड बेसिन में पूरा पानी कमने लगता है, ठीक है, पानी का लेवल कमेगा, एरिया भी कमेगा, वॉल्यूम भी कमेगा, देन the deposit that results will show a bull eye pattern with the most soluble salts in the basin center, ठीक है,
सॉल्युबल सॉल्ट्स मतलब जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब वगैरह जो सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे वो सेंटर पे मिलेंगे। तो बैरड बेसिन में कैसा है, जो आइसोलेटेड बैरड है उसमें क्या है कि हैलाइट वगैरह जो कि मोस्टली डिजोल्व हैं वो सारे के सारे जो होंगे वो सेंटर पे आ जाएंगे, ठीक है। फिर आपका जिप्सम आएगा, फिर आपका कार्बोनेट आएगा साइड में, ठीक है, जहां पे बैरड बेसिन है। इफ द इक्विलिब्रियम इज रीच्ड बिटवीन द इनफ्लो एंड द एवेपोरेट लॉस, देन ए स्टेबल कंडीशन विल एग्जिस्ट अक्रॉस द बेसिन एंड टेन टू हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स ऑफ ए सिंगल मिनरल कैन बी डिपोजिटेड इन वन प्लेस। ओके, दिस प्रोड्यूस जैसे टीयर ड्रॉप पैटर्न, ठीक है, जहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है मतलब एवेपोरेशन भी हो रहा है और इनफ्लो भी हो रहा है पानी का, ठीक है। वैसे कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो टीयर ड्रॉप पैटर्न होगा, ये बुल साई पैटर्न था, यहाँ पे टीयर ड्रॉप पैटर्न होगा, तो इस समय में क्या होगा कि आपका रिवर्स केस हो जाएगा, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम और हैलाइट का फॉर्मेशन इस तरीके से होगा। सो दिस वाज द सेमी आइसोलेटेड, क्योंकि यहाँ पे सेमी है, पूरी तरीके से ये आइसोलेटेड नहीं हुआ है, दिस इज सेमी आइसोलेटेड बेसिन। ओके, तो दिस इज सेमी आइसोलेटेड बेसिन, तो सेमी आइसोलेटेड बेसिन क्वेश्चन पूछा था, तो यही हमारा आंसर था, दिस वाज द आंसर, ठीक है। अगर आगे पढ़ने जाओ तो यहाँ पे बोलता है कि ऑर्गेनिक मटेरियल ब्रॉट इनटू द बेसिन ड्यूरिंग द लोअर सैलिनिटी कैन एक्युमुलेट विद इन द बेसिन डिपोजिट एंड बी प्रिजर्व व्हेन सैलिनिटी इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द हाइपर सलाइन बेसिक और एनोक्सिक, ठीक है। तो इसमें अब जानने की आगे कुछ जरूरत नहीं है, आपको बस ये पैटर्न याद रखना है कि आपको कब बुलाई पैटर्न बनता है और कब आपका टीयर ड्रॉप पैटर्न बनता है, ठीक है। तो हमको टीयर ड्रॉप पैटर्न के बारे में पूछा था, तो आंसर वाज लाइक दिस। ओके, क्वेश्चन देर आस्किंग विच ऑफ द मिनरल डिपॉजिट्स आर एसोसिएटेड विद आर्कियन ग्रीनस्टोन, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जियोलॉजिकल टाइम स्केल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्कियन का, ठीक है। तो ग्रीनस्टोन बेल्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। ग्रीनस्टोन बेल्ट्स जो थे दे आर वेरिएबल मेटामॉर्फिक और मैपिक अल्ट्रा मैफिक वॉल्केनिक इरप्शन सिक्वेंस, ठीक है। ये वॉल्केनिक इरप्शन सिक्वेंस थे जो कि एसोसिएटेड थे सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ। यहाँ पे फेमस और क्या क्या मिलते, और जो मिलते थे वो क्या थे, गोल्ड, सिल्वर का, कॉपर का, जिंक का, लेड का जो था वो फेमस था, ठीक है। तो हमारे आंसर में पूछा था डायमंड किम्बरलेट डिपॉजिट्स, ये तो नहीं है, ठीक है। पोर्फिरिक डिपॉजिट्स ये भी नहीं होगा। स्ट्रैटिफॉर्म ऑफ लेड एंड जिंक डिपॉजिट ये भी नहीं होगा। आपका कॉपर है, कॉपर जिंक मैसिव सल्फाइड्स भी है, निकेल कॉपर सल्फाइड भी आएगा, कॉपर सल्फाइड कॉपर है तो कॉपर सल्फाइड तो जरूर होगा, कॉपर एंड जिंक मैसिव सल्फाइड्स भी होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट दिस इज गोल्ड, गोल्ड बियरिंग क्वार्टजेंस भी मौजूद होंगे यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसका नाम आर्कियन ग्रीनस्टोन है, ठीक है। और एयू बियरिंग क्वार्टजेंस यहाँ पे फेमस है, आपको ये चीज याद रखना है अच्छे से, ठीक है। दिस आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और एंड इफ यू हैव सम डाउट यू कैन कमेंट मी इन द बॉक्स, ओके। एंड सेक्शन सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रीड इट वेरी केयरफुली, ठीक है। इसके हर पॉइंट को अच्छे से रीड करें, ठीक है, और अपना बेसिक इंस्टीट्यूशंस लगा के ही क्वेश्चन को करें। डोंट पिक अप द रैंडम क्वेश्चन विच यू डोंट नो, बिकॉज दैट विल गिव यू टू नेगेटिव मार्किंग। ओके, वॉच दिस टू प्ले लिस्ट, हैव ए नाइस डे।